नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीएड सेकंड ईयर का जो पेपर होने वाला है 7 अक्टूबर को, समावेशी विद्यालय का सृजन, उसके मॉडल टेस्ट पेपर करवा रही हूँ। आप इस मॉडल टेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके जाएं, क्योंकि हो सकता है आपके इन्हीं में से क्वेश्चंस आए, तो आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर जरूर देखना है। राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंध जो बीएड सेकंड ईयर के एग्जाम्स आपके होने वाले हैं, उस दृष्टिकोण से ये मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ध्यान रखना, समावेशी विद्यालय का सृजन वाला जो पेपर है वो 35 मार्क्स का आपके आएगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 यूनिटों में विभाजित होकर के आपके क्वेश्चंस आएंगे। पहला है खंड ए और दूसरी है खंड ब। खंड ए में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने है, विशिष्ट शिक्षा कोमा एकीकृत या इसको बोल सकते हो समन्वित शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है। इन तीनों के अंतर को आपको ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है विद्यार्थियों। सेकंड क्वेश्चन जो आपके आ सकता है वो है चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के गुण दोषों को लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है विद्यालयी अभिलेख की विशेषताएं लिखिए। चौथा क्वेश्चन है RT 2009 के अंतर्गत शिक्षकों की योग्यता एवं भूमिका को गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की विशेषताएं बताइए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को परिभाषित कीजिए। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि।
उपयोग लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, समावेशी शिक्षा में आईसीटी की भूमिका को स्पष्ट करो। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है मानवाधिकार प्रतिमान के सिद्धांत कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है चैरिटी मॉडल क्या है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, पाठ्यांतर क्रियाओं के लाभ सूचीबद्ध कीजिए। कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 व 1986 में विकलांग बालकों के लिए क्या कदम उठाए? ये पहला क्वेश्चन है खंड ब में, इसी का अथवा आपसे पूछा जाएगा और उसमें आपको पूछा जा सकता है अभिलेख न्यायालय संरक्षण एवं रख रखाव की आवश्यकता एवं महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे सहयोगी अनुशिक्षण क्या है। इसके अलावा इसके क्या पूछ सकते हैं? लाभ और हानियां। नेक्स्ट इसी का अथवा में आपसे पूछा जा सकता है जैव केंद्रित प्रतिमान कार्यात्मक प्रतिमान मानवाधिकार प्रतिमान को समझाइए। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान SSA क्या है? इसके उद्देश्य व घटक क्या है? इसी के अथवा में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है MHRD द्वारा विकलांग बालकों के लिए कार्यक्रम कौन कौन से हैं।
समझाइए। देखो विद्यार्थी, आपने देखा ये इस टाइप से आपसे दो यूनिट में, दो खंडों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इधर आपके 10 क्वेश्चन होंगे दो दो नंबर के, और उधर होंगे आपके क्वेश्चन दिए हुए होंगे जो आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे। आपके जो छोटे क्वेश्चन है जो दो दो नंबर के हैं वो आपको कितने करने हैं, वो आपको करने हैं 7 क्वेश्चन आपको करने हैं, जबकि खंड ब में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और तीनों क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके कितने आएंगे, 7 नंबर के आएंगे, जबकि 7 क्वेश्चन आपके आएंगे 7 × 2 = 14। 7 इन 10 क्वेश्चन में से आपको 7 क्वेश्चन करना है, प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो खंड 1 14 नंबर का है और खंड बी आपका 21 नंबर का है। कितने नंबर का है, 21 नंबर का है। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए, विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत और समन्वित शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है, ये मैंने आपको वीडियो में भी इसके अंतर को अच्छे से समझाया है, तो आप इसके अंतर को समझने के लिए मेरे वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, चिंतन स्तर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के गुण और दोषों को लिखिए, कि चिंतन स्तर के माध्यम से अगर अधिगम करवाया जाता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या नुकसान है, ये भी मैंने वीडियो में करवाया है। विद्यालय अभिलेख की विशेषताएं पूछी जा सकती है। आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षकों की योग्यता और भूमिका को समझाइए, ये क्वेश्चन आ सकता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को परिभाषित कीजिए, इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप इस वीडियो में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बड़ी सिस्टम से आप क्या समझते हैं और इसका उपयोग लिखिए। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में आईसीटी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, मानवाधिकार प्रतिमान के सिद्धांत कौन कौन से हैं, चैरिटी मॉडल क्या है, पाठ्यांतर क्रियाओं के लाभों को सूचीबद्ध कीजिए। ये आपके 10 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, इन 10 क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख करके जरूर जाएं विद्यार्थियों। खंड ब में ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने विकलांग बालकों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए, इनमें से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अभिलेख संरक्षण व रखरखाव की आवश्यकता और महत्व पूछा जा सकता है। सहयोगी अनुशिक्षण क्या है और उसकी लाभ व हानियां पूछी जा सकती है। अथवा में आपसे जैव केंद्रित प्रतिमान, कार्यात्मक प्रतिमान और मानवाधिकार प्रतिमान के बारे में पूछा जा सकता है। SSA क्या है, इसके उद्देश्य व घटक क्या है, ये क्वेश्चन। SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा MHRD द्वारा विकलांग बालकों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो मैंने आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया है, आप इसके आधार पर स्टडी करिए, इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाइए, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गुण दोष भी देख करके जाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गुण और दोष भी एक बार आप जरूर देख करके जाइए, ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको, प्राप्त कर सको। आगे के वीडियोस में भी हम इसी तरह से मॉडल टेस्ट पेपर बनाते रहेंगे, तो इसके लिए जुड़े रहिए नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से। विद्यार्थियों, धन्यवाद।